स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्टोम वाटर इन प्लांट बॉडी। जैसे कि आप जानते हैं हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ट्रांसपिरेशन की सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा था, ट्रांसपिरेशन क्या होती है वो पढ़ा था और वाटर एंड आयन अपटेक पढ़ा था। असल में इन दोनों चीजों को हम अगर इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे ट्रांसपोर्टोम वाटर। तो सबसे पहले तो पानी क्यों चाहिए होता है प्लांट्स को, व्हाई वाटर इज नेसेसरी फॉर द प्लांट। जैसे कि आपको पता है कि पानी जैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वैसे प्लांट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? उसकी कई वजहें हैं कि जितने मैकेनिज्म में जितने केमिकल रिएक्शन होने हैं प्लांट की बॉडी में वो एक्वस मीडियम में होंगे, वो पानी में होंगे। जिस तरह हमारे जिस्म में हर रिएक्शन हमारे सेल में हो रहा है वो पानी की मदद से हो रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल, जैसे हम अपने प्रीवियस वीडियो देख के आए हैं कि मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है चाहे फूड हो, ठीक है, मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वेस्ट भी हो सकता है, फूड भी हो सकता है, ठीक है, और दूसरा जो आयंस और मिनरल्स वगैरह हो सकते हैं, ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट जो है ये किसकी मदद से होगा, एक पानी की मदद से होगा। और अगली इंपोर्टेंस क्या है कि एक सेल को जो शक्ति मिलती है जिसे हम टर्जिडिटी कहते हैं, सतपान कहते हैं, वो पानी की मदद से मिलना है। और इसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोसीजर है जिसकी मदद से पौधों ने अपनी खुराक बनानी, जिसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं, आप इसकी इक्वेशन देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलते हैं एंड देन C6H12O6 बनता है, साथ ऑक्सीजन रिलीज होती है। सो दिस इज द रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल है हमारे पौधे की फूड का। सो दैट इज व्हाई वाटर इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द प्लांट। अब इसका रूट क्या है, किस किस रास्ते से कहां से आता है पानी और कहां को जाता है, ये हमने देखना है। तो यहां ऐसे पिछली वीडियो में भी डिस्कस करके आए, हम दोबारा देख लेते हैं। मेनली वाटर कम्स फ्रॉम सॉइल, एज वी नो कि हम जड़ों में पानी को देते हैं तो वो मिट्टी में जाता है, पानी डायरेक्ट पौधों में नहीं जाता। सबसे पहले इट कम्स इनटू द सॉइल, सॉइल से ये मूव करता है और रूट हेयर्स में आता है, छोटी छोटी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है एंड देन मूव्स इनटू द रूट एंड रूट्स का आगे जो पूरा मैकेनिज्म है, रूट्स से आगे ये कहां जाता है, जाइलम टिश्यू में। और याद रखिएगा कि ये जो जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू इज एवरीवेयर इन द प्लांट, प्लांट के हर हिस्से में है, एवरीवेयर इन द प्लांट बॉडी, के प्लांट की बॉडी के हर हिस्से में रूट्स जाइलम टिश्यूज मौजूद है, चाहे वो शाखे हो, चाहे वो पत्ते हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो फूल हो, हर हिस्से में जाइलम टिश्यू ने जाना है। तो जाहिर सी बात है जाइलम टिश्यू जाएगा तो अल्टीमेटली साथ क्या लेके जाएगा, वाटर लेके जाएगा। सो इस तरह से पानी जो है वो पूरे पौधे की बॉडी में मूव कर जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, ये इसमें जाहिर सी बात है जो एक्स्ट्रा होता जाता है पानी, एक्स्ट्रा वाटर जितना भी है वो मेजरली इन ज्यादा जो पानी है वो मूव करता है इसी जाइलम टिश्यू की मदद से। जाइलम टिश्यू की मदद से वो मूव करके कहां आ जाता है, लीव में आता है और लीव्स के अंदर भी स्पेसिफिक सेल होते हैं जिन्हें हम मेसोफिल सेल्स कहते हैं, मेसोफिल सेल में चला जाता है। ये मेसोफिल सेल्स जो है जब भर जाते हैं मेसोफिल सेल तो ये टर्जिड हो जाते हैं, ये टर्जिड होने के बाद पानी जो है यहां से भी आगे मूव करता है और सीधा कहां जाता है, गॉड सेल्स में। गॉड सेल्स कहां होते हैं, ये पत्ते की लोअर एपिडर्मिस में होते हैं, और लोअर एपिडर्मिस में होते हैं
तो जैसे ही गार्ड सेल में आता है, गार्ड सेल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। गार्ड सेल के ओपन होने से अल्टीमेटली क्या ओपन हो जाते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही स्टोमेटा ओपन होते हैं तो आप कह सकते हैं कि जो सारा एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, वो निकल जाता है प्लांट बॉडी से। इस तरह से बेसिकली तो सॉइल से पानी आ रहा है जाइलम टिश्यू की मदद से, जाइलम टिश्यू उसको पूरे पौधे में घुमाने के बाद जो इजाफी पानी होता है वो लीव्स में जाता है और लीव्स में वो अल्टीमेटली स्टोमेटा तक पहुंचते हैं। ये आपके पास रूट की एक इंटरनल जो समय में बायोलॉजी मौजूद है, इंटरनल स्ट्रक्चर मौजूद है। इस लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं और इस एपिडर्मिस के ऊपर ये रूट हेयर होती है, ये जो हमने लिखे हैं छोटे छोटे बाल और सब, तो ये सारे रूट के अंदर वाले सेल होते हैं, ये रूट हेयर्स हैं। और ये आपके सामने जो है कॉर्टेक्स सेल कहते हैं, और ये हमारे पास एंडोडर्मिस होती है एंड इसे पेरिसाइकल कहते हैं। और ये है वो टिश्यू जिसे हमने जाइलम टिश्यू कहना है। तो इस टिश्यू में पानी नहीं पहुंचना है और इस टिश्यू ने पूरी प्लांट बॉडी में आगे सप्लाई करना है। पानी दो तरीकों से पहुंच सकता है, इंट्रासेलुलर स्पेस यानी जो सेल के दरमियान स्पेस है वहां से, या इंट्रासेलुलर स्पेस यानी कि जो सेल्स के अंदर एक सेल से दूसरे सेल में ये पानी पहुंचना है। जब आना है पानी लीफ के अंदर, तो ये लीफ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने दिखाई है आपको, ये है एपिडर्मिस, इसे आप एपिडर्मिस कहते हैं। ये अपर एपिडर्मिस होती है, यहाँ ये कॉर्टेक्स सेल कहलाते हैं। और ये हमारे पास मेसोफिल सेल्स है, जो हमने ये लिखे हैं कि मेसोफिल सेल्स में पानी आता है, ठीक है। और मेसोफिल सेल्स के बाद ये होते हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। और ये जो नीचे वाली लेयर है इसे आप लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। और लोअर एपिडर्मिस के अंदर ये गार्ड सेल होते हैं, गार्ड सेल के अंदर ये जो छोटे छोटे सुराख इन्हें स्टोमेटा कहते हैं या स्टोमा कहते हैं। तो पानी ने यहां पहुंचना होता है। अब पानी, ये जो सारा रूट है, अब सवाल है कि पानी ऊपर कैसे चढ़ता है। उसके लिए एक थ्योरी दी गई है, कोहेशन टेंशन थ्योरी कहते हैं इसे, कोहेशन टेंशन थ्योरी, जिसमें बताया गया है कि पानी के ऊपर जाने का मैकेनिज्म क्या है, वो देख लेते हैं हम। कोहेशन टेंशन थ्योरी, कोहेशन का मतलब क्या होता है, चिपकना, और टेंशन का मतलब क्या होता है, खिंचाव। तो असल में ये थ्योरी ये कहती है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कोहील होते हैं, चिपके हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो एक खिंचाव बनाते हैं, टेंशन बनाते हैं। और इस टेंशन की वजह से एक ऊपर खींचने के लिए फोर्स पैदा हो जाती है, जिसे पुलिंग फोर्स कहते हैं। वो इस पानी को कहां मूव करवाती है, अपवर्ड मूव करवाती है, ऊपर की जाने। और उस ऊपर की जाने जो फोर्स इस पानी को खींच रही होती है, उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं। वो टर्म क्या है, ट्रांसपायरेशनल पुल। पुल का मतलब भी क्या होता है, खिंचाव। और जो टेंशन का मतलब भी क्या होता है, खिंचाव। अब ये खिंचाव जो है मेनली दो तरह का होता है, कि कैसे पानी की जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे को खींचते हुए ऊपर जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं। और एक बारीक सी टहनी वाले पत्ते में, पौधे में भी पानी ऊपर चढ़ जाता है, और 100 फीट लंबा पौधा होता है तो उसमें भी पानी आसानी से चढ़ जाता है। तो इसी पुलिंग फोर्स की वजह से चढ़ता है। इस पुलिंग फोर्स का मैकेनिज्म क्या होता है, मैं जाइलम टिश्यू की इंटरनल जो है वो वॉल दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, सपोज ये जाइलम टिश्यू है, तो जाइलम टिश्यू में कुछ पानी के मॉलिक्यूल ऐसे दीवारों के साथ चिपक चिपक कर चढ़ रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ भी अटैच होते हैं और दीवार के साथ भी अटैच होते हैं। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे खुद ब खुद एक दूसरे को लिंक बनाकर चढ़ रहे होते हैं।
तो बहरहाल चाहे दीवार के साथ चिपक रहे हैं चाहे आपस में चिपक रहे हैं, इन्होंने ऊपर जाना है क्योंकि इसकी एनर्जी हाई है, इसने ऊपर मूव करना है, ये अपने वाले पीछे वाले मॉलिक्यूल को भी साथ खींचेगा और ये खिंचाव चलता रहेगा। अब ये जो दीवार के साथ मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं इस प्रोसेस को कहते हैं एडहीजन, यानी द बाइंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ जाइलम टिश्यू इज कॉल्ड एडहीजन। और ये जो आपस में मॉलिक्यूल एक लिंक बनाकर एक दूसरे को खींच के ऊपर जा रहे हैं इसको कहते हैं कोहेजन। और इस तरह से कोहेजन और एडहीजन दोनों काम हो रहे होते हैं जिसकी वजह से सारे पानी के मॉलिक्यूल ऊपर थ्रू आउट द प्लांट बॉडी मूव करते हैं और इस तरह से एक खिंचाव की फोर्स जो है ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, इसको क्या कहते हैं टेंशन। तो असल में एडहीजन और कोहेजन को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं टेंशन कहते हैं। और ये टेंशन कुछ ऐसे कारण होती है कि रूट्स से ये शुरू होती है और स्टेम में आते हुए एक एक लीफ तक जाती है। ये जो मॉलिक्यूल पानी के बाहर जा रहे हैं इन्होंने असल में ये खिंचाव बनाया हुआ होता है तो हर अगला मॉलिक्यूल जो है वो पिछले को खींचता है। ये देखें ये हर अगला मॉलिक्यूल पिछले को खींच रहा है और इसीलिए ये टेंशन बन जाती है, खिंचाव बन जाता है और इस खिंचाव को तोड़ा नहीं जाता तो इसलिए ये ट्रांसपोरेशन का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, होता रहता है। So this is how water is transported throughout the plant body with the help of cohesion and adhesion that is collectively called tension. So ये tension जो produce होती है xylem tissue के अंदर, so that is the reason xylem tissue is very much important connecting tissues in the plant body. I hope कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।